हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। पारस छाबड़ा ने उड़ाई सिद्धार्थ शुक्ला की धज्जियां, फैंस बोले इसकी तो आदत ही ऐसी है। वेल बताते हैं क्या है पूरी खबर। तो बिग बॉस 13 के घर में मौजूद कंटेस्टेंट्स के मुंह से निकली हर एक बात पत्थर की लकीर जैसी होती है। यहां पर कंटेस्टेंट्स के मुंह से निकली हर एक बात घर के बाहर इतना हंगामा मचा देती है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। बीते दिनों ही पारस छाबड़ा ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था कि हर कोई दंग है। दरअसल सिद्धार्थ से लड़ाई करने के बाद पारस ने उन पर पर्सनल अटैक कर दिया। पारस ने देबोलीना को बताया था कि बीते कुछ साल से ही सिद्धार्थ का वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो सप्लीमेंट्स लेने लगे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि वजन घटाने के लिए उन्होंने रिहैब सेंटर के चक्कर भी लगाने शुरू कर दिए थे। देबोलीना पारस की बातें सुनकर तो काफी हैरान थी, लेकिन फैंस उनसे भी ज्यादा सकते में है। बिग बॉस के फैंस पारस छाबड़ा को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं, जहां कई लोगों का कहना है कि पारस लोगों का ध्यान खींचने के लिए कुछ भी अनाप शनाप कहते रहते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि पारस छाबड़ा को नेशनल टेलीविजन पर सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पारस इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस वजह से वो बौखलाए हुए हैं। पारस के साथ साथ इस हफ्ते माहिरा शर्मा, रश्मि देसाई, अबू मलिक, सिद्धार्थ डे और असीम रियाज घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं। पारस बिग बॉस 13 के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट है। पारस को लेकर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि स्प्लिट्स विला के दौरान उन्होंने सनी लियोनी के साथ भी छेड़खानी करने की कोशिश की थी। फिलहाल तो देखना ये होगा कि पारस इस हफ्ते घर से बेघर होते हैं या फिर अपने के बदौलत घर में ही अपनी जगह बनाए रखते हैं। वेल, इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी है आपको ये वीडियो हमें कमेंट्स के जरिए बताना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।